इसको पानी में उबाल रही हूँ, पानी उबल जाए तो दो अंडे फूट गए थे, एक अंडे में दो अंडे का ऑमलेट तैयार कर दिया मैंने। फिर ऑमलेट तैयार के प्याज मिर्च नमक और धनिया पत्ता इसमें देख सकते हैं, मैं ये थोड़ा बना दे रही हूँ। प्याज पत्ता अगर टूट जाए अंडे तो इस तरह से बनाया जाता है। उबाल ऐसी होनी चाहिए, जब ये उबाल हो जाती है ऐसी उबाल हो गई, चम्मच से चला देनी चाहिए। चला दी मैंने, देख सकते हैं क्या करना है, इस पन्नी में डाल देना है, इस पन्नी के अंदर इसको डाल देना। इस पन्नी में हमने डाल दे रहे हैं, तैयार हो जाएगी उसका। पन्नी और दे दो मुझे, एक पन्नी और दे दो। देख सकते हैं डबल पीएंगे, देख सकते हैं डबल पन्नी में डाले हैं। अभी ये थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, उबाल आ जाएगी उबाल तो समझिए पक चुका है। टाइट हो जाएगी बाल आते आते, देख लीजिए अंडा बनाने का तरीका ऐसे भी होता है, अपने आप उबाल आ जाती है। थोड़ा ढक्कन से ढक दिया जाता है, थोड़ा सा ढक दे रहे हैं। इसको थोड़ा पलट देख सकते हैं, तो पलट दिया गया, इसको ढक दिया गया थोड़ा,
देख सकते हैं, फिर से इसको पलट दिया जाता है, तो पलट दिया गया दोबारा से, देख सकते हैं दोबारा से पलट दिया। ऐसे बनाई अपने घरों में, बहुत अच्छी लगती है ऐसे अंडे की सब्जी। दो तरीक़े के बना रहे हैं इसको, तैयार हो चुका है ये, अपने घर में बनाइए, बना ट्राई कीजिए। तैयार हो चुका है, पीस काट दिए, अंडे छील ली मैंने, और अंडे को छेद करना ना भूलें, बिना छेद के अंडे उड़ने लग जाते हैं, आ जाते हैं, बिल्कुल छेद कर दिए जाए, दो तीन छेद जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से छेद करना है, इधर उधर दिखना चाहिए दोनों तरफ, ऐसे छेद किया जाए अंडे को, ना ही छेद करिएगा तो उड़ने लग जाएगा अंडा, इसलिए छेद करना जरूरी होता है। बस अब इसमें तेल डालूंगी, फ्राई करके निकाल लोगे तेल में, इसे मेरे को फ्राई करनी है। देखो मैं अंडे डाल रही हूँ, फ्राई कर रहे हैं अंडे, फ्राई किया जाते हैं, इसी मसाला तैयार कर दिए, पेस्ट है लहसुन का पेस्ट, धनिया, इस तरह से लाल होना चाहिए, लाल हो गया तो जो मैंने पनीर से काट के निकाली है फिर फ्राई हो जाना चाहिए, तेल निकल गए इसे भी एक बार निकाल लो सब्जी साथ। ऐसी भी सब्जी बनती है, ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। इसमें तेजपत्ता डाल दी और थोड़ी सी जीरा डाल दूंगी, जीरा डाल दी, थोड़ी सी हल्के से तेल और आप भी बनाइए, बहुत अच्छी बनेगी। फिर प्याज डालना, मुझे देख सकते हैं मैं प्याज डालना भी लाल होने के लिए इंतजार करना, लाल हो जाए तो जब लाल हो गए खाइए टमाटर, देख सकते हैं लाल हो चुकी है जो अब मैं लहसुन रखने वाली हूँ। ऐसे बनाइए, बहुत प्यार।
lalu dengan ini. Nah, dari kegelana ini. मटर करने के लिए थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, मैंने नमक डाल दिया ये, इस गली जाऊंगा इसे। गली जाने के बाद फिर मसाला डाल देंगे। मैं गल चुका है मटर। स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत अच्छी तरीके से बनाइए। सारे मसाले डालो, धनिया पाउडर, डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए पानी डालेंगे बस। पानी डालने से मसाला अच्छे से तैयार हो जाती है। डाल देंगे थोड़ी देर के लिए पानी, इसके बाद ये मसाला जरूर डालें, इस मसाला बिना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। डाल दें, चाट चटके खाए आप लोगों ने। इसे पानी डाल देगा, बहुत टेस्टी बनेगी, अपने घर में ही बनेगी। तो पानी अनुसार अपना डाल के भी ताजा खा सकते हैं। अब इसे ढक देंगे। कितना प्यारा बना है, क्यों में पानी आ जाएगी। गाइस, अंडे की सब्जी दो तरीका बताई मैंने।
हम बन चुका है, घी के डाल दे रहे हैं, सब्जी तैयार। अब कृष्णा खा कर ट्राई करेगा। कृष्णा बताएगा कैसे सब्जी। और बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय।